I'm at an all-time अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स अली फ्रॉम पार्क फिटनेस। इस वीडियो में हम स्क्वाट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप भी स्क्वाट्स के अंदर वीक हैं और आपको स्क्वाट्स करने के सही से पता नहीं है तो किस तरीके स्क्वाट्स किए जाते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक लिंक लगा दूंगा, आपने उस लिंक को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मकसद ये है कि ये वीडियो के अंदर ये दोनों बिगनर हैं और अभी अभी स्क्वाट्स करना एक्सरसाइज वगैरह सीख रहे हैं, तो इनको मैं सिखा रहा हूँ कि इनकी बेसिक गलतियाँ क्या हैं। अगर आप में भी ये बेसिक गलतियाँ तो आपने इन्हें इग्नोर करना है। तो गाइस, सबसे पहले स्क्वाट्स के अंदर आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमर सीधी और आपकी हिप पीछे की तरफ खींचनी चाहिए, आपके घुटने आपके टो से आगे नहीं जाने चाहिए। एज अ बिगनर जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप उस पर कोई गाइडलाइन या अपना ट्रेनर साथ नहीं रखते या आप कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं देखते तो आप उससे गलत करते हैं। जब आप गलत करते हैं और पूछते नहीं हैं किसी से, बात नहीं करते, तो आप इसके नुकसान उठाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उसे सही करने की कोशिश करें, अपने ट्रेनर की हेल्प लें, कोई अच्छी वीडियोस देखें और उनके साथ अपने एक्सरसाइज को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। स्क्वाट्स का मतलब यह है कि आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके लेग्स को अच्छे से टारगेट करें। वो ऐसे होगा जब आपकी पोजीशन इस तरीके से होगी, ये है आपका सही से स्क्वाट्स। तो अपने स्क्वाट्स को अपने बेहतर करना है, अपनी कमर की पोजीशन को अपने बेहतर करना है। अगर आपसे फिर भी पोजीशन ठीक नहीं हो रही तो आप किसी की मदद ले सकते हैं ताकि वो आपको हेल्प करे आपके स्क्वाट्स के दौरान, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाए। गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।